कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच जो T20 सीरीज होने वाली है, वेस्ट इंडीज सीरीज की। दोस्तों, पहले मैच की पिच रिपोर्ट, पूरी एनालिसिस, दोस्तों मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ये पिच रिपोर्ट है, डेडिकेटेड पिच रिपोर्ट है, स्टैट्स देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी हेल्पफुल होगी आपको दोस्तों सेशंस खेलने में। ठीक है, तो जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुआ, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, लिंक जो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, पहला मुकाबला जो है 5 अक्टूबर की दोपहर 1:40 पर भारतीय समय अनुसार खेला जाएगा। कैनबरा ओवल क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला होगा दोस्तों। तो मैच में जाने से पहले अगर दोनों टीमों के प्लेयरों पर नजर डालो, तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो प्लेयर हैं, एरन फिंच, डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, स्टीवन स्मिथ, कैमरन ग्रीन, मिचेल मार्श, मार्कस स्टॉइनिस, तो सारे ही बड़े बड़े खिलाड़ियों की वापसी हो रही है। जॉश हेजलवुड, एडम जंपा जैसे प्लेयर दोस्तों। वहीं अगर मैं वेस्ट इंडीज की टीम पर डालू, जॉनसन चार्ल्स की काफी दिन बाद वापसी हुई है, एवेन लुइस, ब्रैंडन किंग, रोमन पावल जिन्होंने अभी CPL जिताया अपनी कप्तानी में, जेसन होल्डर जैसे प्लेयर हैं, ओडेन स्मिथ जैसे प्लेयर हैं। तो अगर मैं पड़ला भारी की बात करूं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पड़ला तो दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम है उसका पड़ला भारी नहीं है, पड़ला तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला भारी है। और वेस्ट इंडीज की टीम T20 में कभी भी कोई भी चमत्कार कर सकती है। मैच तो देखने में उनके बहुत मजा आते हैं, खासतौर सेशंस के लिहाज से। तो अगर मैं दोनों टीमों के पिछले पांच मुकाबले परफॉर्मेंस पे ना डालूं, पांच में से दोस्तों दो जीत कर आ रही है ऑस्ट्रेलिया और पांच में से चार हार कर आ रही है वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज के तो बहुत फटे हार हैं। ठीक है गाइस, और अगर पिछले 10 मैचों में विनिंग परसेंटेज की बात करूं, 60% है ऑस्ट्रेलिया का, वेस्ट इंडीज का है 40%, 150 रन है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एवरेज स्कोर 10 मैचों में, 140 रन है वेस्ट इंडीज का, 211 रन हाईएस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, 194 रन है वेस्ट इंडीज का, 90 रन लोएस्ट है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का, 100 रन है वेस्ट इंडीज का। ठीक है, तो ये तो थी कुछ एनालिसिस। अब आइए दोस्तों इस ग्राउंड में जो सेशंस बनते हैं उस पर डालते हैं। पहले पारी में यहाँ पर दोस्तों 6 ओवर में 38 रन बनते हैं, दूसरी पारी में भी 38 रन बनते हैं, पहली पारी में 10 ओवर में यहाँ पर 64 रन बनते हैं, दूसरी पारी में 60 रन बनते हैं, पहली पारी में यहाँ पर 215 ओवर में 98 रन बनते हैं, दूसरी पारी में 97 रन, पहली पारी में यहाँ पर जो है 137 रन बनते हैं, दूसरी पारी में 134 रन। तो विकेट स्लो हो जाता है बाद में मुझे लगता है। ठीक है गाइस, और तो ये है कुछ आंकड़े दोस्तों। अब आए दोस्तों डिटेल्ड पिच रिपोर्ट पे डालते हैं कि डिटेल्ड पिच रिपोर्ट क्या है। तो दोस्तों क्वींसलैंड की जो कैनबरा के जो मैचेस हैं, मैं आपको बताता हूँ जो इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, पूरे बताऊंगा कि कितना मतलब है, क्या स्कोर पैटर्न है, स्कोरिंग पैटर्न रहा है कैसे, तो T20 के आंकड़े हम देखेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर T20I जो है, मात्र एक T20I खेला गया है दोस्तों। ठीक है, वो भी पहले बैटिंग करने वाली ने जीता था। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 108 रन का है, जो कि साउथ अफ्रीका ने बनाया था 150 से कम एक बार बनाया, 150 से 169 के बीच का स्कोर सुनने बार, 170 से 189 के बीच का स्कोर सुनने बार, 190 से ऊपर स्कोर सुनने बार बन चुका है। ठीक है, तो ये तो था पिच रिपोर्ट। अब आइए दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बना डालते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 बना डालूं, एरन फिंच, डेविड वार्नर ओपनिंग करते नजर आएंगे, स्टीवन स्मिथ नंबर 3 पे, ग्लेन मैक्सवेल नंबर 4 पे, मार्क स्टॉइनिस नंबर 5, मिचेल मार्श नंबर 6, बाकी की प्लेइंग लाइन आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही होगी, देख लीजिएगा। वह अगर मैं वेस्ट इंडीज की प्लेइंग लाइन में डालू, ब्रैंडन किंग, इवन लुइस ओपनिंग करते नजर आएंगे, शिमरन हेटमायर नंबर 3, रोमन पावल नंबर 4, ओडेन स्मिथ नंबर 5, जेसन होल्डर नंबर 6, बाकी की प्लेइंग लाइन आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही होगी, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो प्रेडिक्शन है आपको मैं कल दूंगा, और मैच के टाइम में आपको सेशंस भी फ्री में मिलेंगे टेलीग्राम पे, तो उसके लिए ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है गाइस, लिंक जो है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे नाम पे टेलीग्राम पे, तो अगर आप उन फेक चैनल से बच के रहना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है, उसी से ज्वाइन हो। उसके अलावा कहीं पर भी कोई लिंक मिले मेरे टेलीग्राम का, तो ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।